क्या टाइप 4 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं? अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो वो क्या क्या कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम टाइप 4 के एडवांसमेंट और अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। 1964 में एक रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने किसी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उनकी एनर्जी कंजम्पशन के बीच एक फंडामेंटल रिलेशनशिप को पहचाना। उन्होंने ये हाइपोथेसिस निकाला कि जैसे जैसे सिविलाइजेशंस आगे बढ़ेंगी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और डेवलपमेंट के कारण उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। उन्होंने कार्डाशेव स्केल का प्रस्ताव रखा जो किसी सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर उसकी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को कैटेगराइज और मेजर करता है। अपने ओरिजिनल स्केल में निकोलाई कार्डाशेव ने सिविलाइजेशन के केवल 3 लेवल्स को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनका मानना था कि पूरी गैलेक्सी की एनर्जी किसी भी लाइफ फॉर्म्स की जरूरतों को पूरा कर सकती है। लेकिन समय के साथ कुछ अन्य वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ गए और टाइप 3 से कहीं आगे की सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज की कल्पना करते हुए स्केल को अपडेट किया और टाइप 4 और उससे ऊपर की सिविलाइजेशन की थ्योरी पेश की। आज के इस वीडियो में हमारा फोकस टाइप 4 पर है, जिसे कुछ लोग संभावित रूप से प्रगति के अंतिम पड़ाव के रूप में देखते हैं। तो टाइप 4 सिविलाइजेशन क्या कर सकती है? एक सिंपल सा जवाब तो ये है कि टाइप 4 सिविलाइजेशन वो सब कुछ कर सकती है जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कर सकते हैं। नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने होम प्लैनेट्स की सभी एनर्जी को पूरी तरह से यूज करने और उसे फुल्ली कंट्रोल करने में कैपेबल हैं। उनकी एनर्जी कंजम्पशन लेवल 10^16 वॉट है। वे पृथ्वी के मौसम को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए समुद्र पर शहर बनाने में सक्षम होंगे और वॉल्केनिक एरप्शंस, अर्थक्वेक्स और हरिकेन्स जैसी नेचुरल डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट करने और यहां तक कि उन्हें रोकने में भी कैपेबल होंगे। वहीं टाइप 2 सिविलाइजेशन ये सब कर सकती है और साथ ही अपने होम स्टार यानी सूरज की पूरी एनर्जी को भी यूज कर सकती है, जिसके लिए वे सूर्य के चारों ओर डायसन स्फीयर की तरह एक मेगा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे और सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स पर इनकी प्रेजेंस होगी। टाइप 2 में एनर्जी कंजम्पशन का लेवल 10^26 वॉट होगा। टाइप 3 की बात करूं तो वो और भी ज्यादा एडवांस होगा, जो ना केवल अपने होम स्टार और प्लैनेट बल्कि अपनी गैलेक्सी के सभी स्टार्स और प्लैनेट्स और यहां तक कि सुपरमैसिव ब्लैक होल से एनर्जी हार्नेस करने में कैपेबल होंगे। वे वार्म होल्स को यूज करके लाइट के स्पीड से भी तेज इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर सकते हैं और पूरी गैलेक्सी पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। इनकी एनर्जी कंजम्पशन का लेवल 10^36 वॉट होगा। बात करें अगर टाइप 4 सिविलाइजेशन की, तो इनका एंटायर यूनिवर्स पर महारत हासिल होगी। ये यूनिवर्सल स्केल पर एनर्जी को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं। वे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के पावर को नियंत्रित कर सकते हैं और इवेंचुअली इसके यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इफेक्टिवली अमर बन सकते हैं। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन मिस्टीरियस डार्क मैटर का पता लगा सकती है और स्पेस टाइम के बेसिक फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकती है। उनकी क्षमताओं में इंस्टेंटेनियस मैटर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम ट्रैवल शामिल हो सकता है। वे अनगिनत डायसन स्फीयर का निर्माण कर सकते हैं जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन या बिग रिप को रिवर्ट करने के लिए डार्क एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डायमेंशंस को मैनिपुलेट करके वे जाइगेंटिक स्फीयर्स बना सकते हैं जहां डार्क एनर्जी पोलैरिटी को रिवर्ट कर सकती है ताकि यूनिवर्स का एक्सपेंशन रिवर्ट हो जाए। स्फीयर के बाहर यूनिवर्स तेजी से एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन स्फीयर के अंदर गैलेक्सीज और स्टार सामान्य रूप से इवॉल्व होंगे। वे गैलेक्सीज को मैनिपुलेट और रीअरेंज कर सकते हैं, न्यू प्लैनेटरी सिस्टम्स को बनाया जा सकता है या यहां तक कि यूनिवर्स से कुछ भी मिटाया जा सकता है जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। बेशक इस लेवल के कंट्रोल को अचीव करने के लिए ऐसी सिविलाइजेशन को फिजिक्स के न्यू लॉस की खोज करने की आवश्यकता होगी। टाइप 4 सिविलाइजेशन की कॉन्सेप्ट अत्यधिक काल्पनिक है और फिजिक्स और यूनिवर्स के नेचर के बारे में हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे है। ऐसी सुपर एडवांस सिविलाइजेशन का आइडिया ये दर्शाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यों से भरा है। ये एक संकेत की तरह है कि वहां बहुत कुछ है और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ओवरऑल टाइप 4 सिविलाइजेशन एक यूनिवर्सल सर्वशक्तिशाली प्रजाति होगी। वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे और जो चाहे वो करने के लिए स्पेस और टाइम के नियमों को भी मोड़ सकते हैं।
ये सब सुनकर काफी फैसिनेटिंग सा लगता है, और इससे ज्यादा एडवांस्ड किसी सिविलाइजेशन के बारे में सोचना भी काफी मुश्किल सा लगता है। लेकिन बिलीव इट और नॉट, कुछ वैज्ञानिकों ने टाइप 5 सिविलाइजेशन की भी कल्पना की है, जो ना केवल अपने खुद के यूनिवर्स पर शासन करेंगे बल्कि वे पूरे मल्टीवर्स पर भी महारत हासिल कर ली होगी। वे देवताओं की तरह होंगे जो यूनिवर्स के डिफरेंट वर्जन्स बनाने के लिए फिजिक्स के लॉस को बदलने में कैपेबल होंगे। सवाल ये है कि क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई एडवांस सिविलाइजेशंस का होना पॉसिबल है? सोवियत एस्ट्रोनॉमर द्वारा पेश की गई एक थ्योरी आपको यकीन दिलाएगा कि वो मौजूद हैं। उनके मुताबिक ऐसे सुपर सिविलाइजेशंस के अस्तित्व को इस थ्योरी से मुमकिन बनाया गया है कि धरती का निर्माण यूनिवर्स के फॉर्मेशन के काफी बाद, यानी 9.2 बिलियन ईयर्स बाद हुआ था। हमारे सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, जिसमें मानव प्रजाति या हमारे सबसे पुराने पूर्वज लगभग 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले ही पृथ्वी पर उभरे थे। यानी पृथ्वी पर जीवन ब्रह्मांड के उम्र के मुकाबले काफी रीसेंट है। वहीं अगर देखा जाए, यूनिवर्स में ऐसे कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनकी एज 10 से 14 बिलियन ईयर्स तक है। पृथ्वी पर लाइफ की एवोल्यूशन की रेट को कंसिडर करते हुए ये सोचना रीजनेबल है कि अगर ऐसे सेलेस्टियल बॉडी पर जीवन प्रकट हो सके और वे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हमारे लेवल तक पहुंच सके, तो इसमें 6 बिलियन ईयर्स लगेंगे। यानी प्रेजेंट में इतने पुराने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर विकसित जीवन हमसे कई गुना पुरानी हो सकती है। ऐसी सिविलाइजेशन को तभी देखा जा सकता है जब वे आसपास के रीजन्स में हों, क्योंकि हम जितनी दूर देखेंगे ऑब्जेक्ट्स उतनी ही यंग होंगी। तो सवाल ये उठता है कि अभी तक हम ऐसे सिविलाइजेशन की खोज क्यों नहीं कर पाए? इसका जवाब देने के लिए सोवियत एस्ट्रोनॉमर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन काफ़ी यंग है, ताकि हम दूसरी सिविलाइजेशन से संपर्क कर सकें जो निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा एडवांस होगी। जब हम इन सुपर सिविलाइजेशन की खोज करते हैं, तो हम ऐसे रेफरेंस पॉइंट अपने डेवलपमेंट लेवल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम केवल ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे स्तर के करीब की सिविलाइजेशन कैसी दिख सकती है, जबकि जो मोर एडवांस्ड है वे हमारी इमेजिनेशन से परे है। कार्डशेव का मानना है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन ने शायद पहले से ही हमें कॉस्मिक साइज टेलीस्कोप के जरिए देख लिया होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इन सिविलाइजेशन का ज्ञान हमसे अधिक है और उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ज़ू हाइपोथेसिस के मुताबिक उनके पास हमसे संपर्क करने के लिए एथिकल रीजंस हो सकते हैं। सो दोस्तों, टाइप 4 सिविलाइजेशन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।